ब्रॉड टू यू बाई टेक्नो स्पार्क ट्वेंटी सीरीज स्मार्टफोन कितना बुरा हाल है सरकार। ये दिखावा करती है सरकार हर चीज में ये इन्होंने नौकरी में दिखावा करी इन्होंने महंगाई का दिखावा रखा कि हमने महंगाई कम कर दी हर चीज का दिखावा करती है वाला अत्याचार उत्पीड़न राजनीतिक उत्पीड़न सबसे बड़ा है हिंदुस्तान में पिछड़ों का पैंतीस परसेंट का शून्य कर रखा इन लोगों ने एक विधायक भी नहीं दे पाते एक लोकसभा तो क्या दे पाएंगे बहन जी ने सबसे बड़ा सम्मान पिछड़ा किया अठहत्तर अच्छा सालों में पहली बार बहन जी ने हमको उस बड़ी अदालत में बैठाना काम करने जा रही है बहन जी कि जहाँ हिंदुस्तान में आप तक कोई बैठ नहीं पाया इस वक्त हम मुजफ्फरनगर लोकसभा क्षेत्र में मौजूद हैं और हमारे साथ बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी दारा सिंह सत्रह तारीख को मौजूद है सत्रह तारीख के साथ दारा सिंह जी इस चुनाव में आपके क्या मुद्दे हैं मुद्दे ये हैं कि इस सरकार का भारी दिखावा है विकास का भारी दिखावा आप शहरों के बाहर देखे बड़े बड़े पुल बना रहे हैं बड़ी बड़ी सड़कें बना रहे हैं और ये पूरे गांव के अंदर जहाँ बस्ती लोग बसते हैं उन रोडों को देखिए उन नालियों को देखिए कि उखड़े पड़े पत्थर सही रोड गले तो पानी भरा हुआ ये हालत देखो कितना बुरा हाल है इस सरकार ये दिखावा करती है सरकार हर चीज़ में ये इन्होंने नौकरी में दिखावा करी इन्होंने महंगाई का दिखावा कर रखा कि हमने महंगाई कम कर दी हर चीज़ का दिखावा करने वाली सरकार है दारा सिंह जी आपके यहाँ अभी क्षेत्र में बसपा सुप्रीमो मायावती आई उन्होंने तमाम मुद्दे उठाए क्या लगता है इस चुनाव में कितनी मजबूती से आप जो है इस चुनाव को जीत पाएंगे आज बहन जी के आने से ये चुनाव इतना मजबूत हो सका कि यहाँ के लोगों को बड़ी खुशी है ये नहीं एक जाति वर्ग नहीं तमाम जितनी बार किसान है मजदूर है दलित है पिछड़ा है सभी खुश था सभी में ताकत भरने का जोश भरने का काम किया बहन जी अच्छा आज अंबेडकर जयंती थी और सबसे बड़ी चीज़ जो आज बहन जी ने भी अपनी सभा में जाटों को लेकर कई जिक्र किए आपके सामने दोनों प्रतिनिधि जाट हैं कैसे और साथ ही साथ वो दोनों स्थानीय हैं आप पर कहा जाता है कि आप बाहरी हैं तो इस चीज़ से कैसे निपट रहे हैं भारी कैसे हो सकते हैं मोदी जी गुजरात से आगे बनारस लड़ जा वो तो भारी है नहीं मेरी विधानसभा सदन मेरा कारोबार मैं मुझे भारी कैसे भारी हो सकता है एक कदम बाहर नहीं हूँ मैं यहीं का रहने वाला हूँ यहीं पे मेरा बिजनेस है कोई भारी नहीं हूँ और बहन जी जो आज आई है बड़ी ताकत देखे गई है और बहन जी ने किसानों के हित की बात करी किसानों ने मुस्लिमों के हित की बात करी बहन जी ने किसान पिछड़ों की बात करी कोई ऐसा जाति वर्ग जिसकी बात ना करी हो और जिसकी आज तक चार साल की सरकार में सर्व समाज की बात करने वाली बहन जी है अच्छा एक चीज़ ये कि अति पिछड़ों की आपने बात की जो जो पार्टियां हैं चाहे समाजवादी पार्टी की तरफ से प्रत्याशी हो चाहे भाजपा की तरफ से हर तरफ जाटों को लेकर चर्चा हो रही है अति पिछड़ों को लेकर आपका क्या रोड मैप है क्या आपके विकास के मुद्दे हैं अति पिछड़ों का होने वाला अत्याचार उत्पीड़न राजनीतिक उत्पीड़न सबसे बड़ा है हिंदुस्तान में पिछड़ों का पैंतीस परसेंट का शून्य कर रखा इन लोगों ने एक विधायक भी नहीं दे पाते एक लोकसभा तो क्या दे पाएंगे बहन जी ने सबसे सब बड़ा सम्मान पिछड़ों किया अठहत्तर अच्छा सालों में पहली बार बहन जी ने हमको उस बड़ी अदालत में बैठाना काम करने जा रही है बहन जी कि जहाँ हिंदुस्तान में आज तक तो कोई बैठ नहीं पाया ये बहन जी है जो अति पिछड़ों की दलितों की बात करती है मुस्लिमों की बात करती है किसान और मजदूर की बात करती है अच्छा जब आप अगर जीतते हैं यहाँ से तो यहाँ पर सबसे पहला क्या काम होगा जो सबसे पहले मुद्दे होंगे जिन्हें प्राथमिकता पे आपको सुधारना और आगे बढ़ाने का जो काम जितने मुद्दों पे सरकारें झूठ बोल ली है युवाओं की बेरोजगारी शिक्षा गांव देहात में खत्म आप देख रहे हो महंगाई का मुद्दा इन सारे मुद्दों की लड़ाई लड़ेंगे संसद में जाके अगर सरकार आई तो दिला करेंगे बिल्कुल सही तो बिल्कुल हमारे साथ थे दारा सिंह जो की बहुजन समाज पार्टी से प्रत्याशी है यहाँ पर और आगे अब देखना होगा चौबीस में क्या कुछ रिजल्ट सामने आता है मोहित सिंह कुशवाहा यूपी तक के लिए